मॉर्निंग क्लास विथ आज आप लोग 11 की एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो 11 ई में है क्या, जैसे एक्सप्रेस द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड है, जैसे लिखा है हमने 1/5 ग्राम इन एमजी, मतलब मिलीग्राम में जाना है, 1/5 ग्राम को मिलीग्राम में जाना है। तो आपको मालूम होना चाहिए 1 ग्राम में हमारे पास 1000 एमजी होते हैं। जब 1000 एमजी होते हैं तो 1/5 × 1000 एमजी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ग्राम के अनुसार जाना है तो काट दिया तो हमारे पास 200 तो 200 एमजी बन जाएंगे। तो इसका अर्थ ये हो गया कि हमारे जो ग्राम में एमजी होते थे, मिलीग्राम होते थे, उसका 1/5 हिस्सा 200 होता है। ऐसे ही हम 4/5 किलोग्राम इन ग्राम, तो हमें मालूम है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 4/5 × 1000 ग्राम, क्रॉस क्रॉस कर दिया, 5 × 2 = 10 = 0, तो 4 × 2 = 800 ग्राम तैयार हो गए। ऐसे ही किलोलीटर से डेकालीटर में जाना है तो 1 KL = 100 BL होता है, तो 100 BL का तो हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेकालीटर बना दिया, काट दिया, 20 हो गया, तो 20 डेकालीटर हमारे पास आ गया। तो ऐसे हम क्रॉस करते चले जाएं और हम निकालते चले जाएंगे। तो ये आपको 11E में आपको ये एक्सरसाइज करने पड़ेगी स्वयं। अब जैसे कल हमने 11 आपकी डी चल रही थी, इसके प्रॉब्लम्स कराए थे, तो प्रॉब्लम में हमने आपको कहा था कि ये आप लोग कर लेना, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने किए होंगे और हो सकता है कि किए भी नहीं हो। जब आप करेंगे नहीं तो हमको कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या पोजीशन है। हम कराते चल रहे हैं और आप कर नहीं रहे तो ये होगा कि आपका फॉर्म पिछड़ जाएगा, क्योंकि ये तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि आप स्कूल खुलने की ही कगार पर खड़े हैं। जब स्कूल खुल जाएगा तब आप क्या करेंगे, तो इसलिए या टेस्ट आ जाएगा। अभी कॉपियां मैंने चेक की हैं, कुछ देखी हैं, तो कुछ बच्चों ने कोरी कॉपियां रख दी, मतलब कुछ काम ही नहीं किया। काम तो करना जरूरी है आपका, तो आप अब सोचें कि हम जैसे SST की या हिंदी की आपको रजिस्टर बना के भेज रहे थे, इन सवालों को सॉल्व करके भेजें, तो ये नहीं हम भेज सकते हैं, ये आपको स्वयं करना है। नहीं समझ में आता है फिर आप दोबारा पूछ सकते हैं। अब जैसे आई वाली में था, एक साइड हमने करा रहे हैं, दूसरी साइड आपको दे रहे हैं 3/40 dl in ml। तो अब जैसे आज में देखो 3/4 dl है इन ml में जाना है। अब आपको मालूम है dl और ml में क्या रिलेशन है, तो dl का मतलब होता है डेसीलीटर, तो 1 dl = 100 ml होगा। यानी कि डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, तो डीएल से हमने एमएल में गए तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3/4 × 100 ml हमने काट देंगे इसको, 25 बार कटेगा तो 25 किया हमारा 75 ml आ जाएगा। तो इस तरह से एक साइड अब के रह गया, जैसे 1/10 kg dag, तो जैसे देखो के वाले में भी 1/10 kg in dag, तो 1 किलोग्राम में हमारे पास 100 डेकाग्राम होते हैं। ये चीज आपको विशेष याद रखनी पड़ेगी कि 1 किलोग्राम में डेकाग्राम में जाना है कि
डेकाग्राम से किलोग्राम में जाना है, तो 1/10 इंटू 100 डीएजी काट देंगे हम, तो 10 बार तो 10 डीएजी आ गया। तो आपको क्या करना है, एक साइड मैंने कर दिए हैं, अगली साइड पे आपको करना है। अगर आप मेरे साथ चलते रहेंगे तो आप बड़ी आराम से क्वेश्चन को समझते रहेंगे और वीडियो को देखिए और सवाल को करिए, तो ये आपका काम है।